देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर मुस्ताखर के शाह साहब गुट्टे में आतिश जदगी का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक शाह साहब गुट्टे में वाक़ हिंदी पंडित कॉलेज के अखबी हिस्से में सैयद कलीम गौस नामी के मकान पर आग लग गई। सैयद कलीम गौस का कहना है कि शायद ये वाकया शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया। मकान में सोफे का कारखाना था, इस शॉर्ट सर्किट में मुकम्मल जल कर खाकस्तर हो गया। इस आतिश जदगी का इतराफ के मकानों पर असर पड़ा, मकानों के मीटर जल चुके, जिसकी वजह से माली नुकसान का सामना करना पड़ा, जानी नुकसान नहीं हुआ है। सैयद कलीम गौस ने हुकूमत से अपील की कि इस मुश्किल घड़ी में मदद फरमाएं। टी शर्ट था वो शार्ट हो गया, शायद वायर शार्ट होके जो है ना आग लग गई वर्कशॉप में। हम लोग इधर थे, मैं सो के उठा था, बाहर मुंह धोने का आया, देखा तो थोड़ा आग लगी थी। फिर दौड़ के मैं पानी लेके भागा करा, ये थोड़ा भी मेरे को ये हो गया, जले जैसा भाप लग गई। बचाने की कोशिश करा, जब तक लोग भी थोड़ा आए मदद करे, मगर पूरा जल गया, कितने शेड भी जल गया, हर चीज जल गई। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं है, बस ये है कि सिर्फ पैसे का नुकसान हुआ समझो, टी शर्ट जल गया और वो वायर थोड़ा सज्जा वगैरह सब जल गया है। हुकूमत से मेरा मुतालबा है, थोड़ा मेरे लिए कुछ हेल्प करे तो अच्छा रहता। मैं मजदूर आदमी हूँ, गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं हूँ और 66 ईयर्स मेरी एज है, मैं क्या मेहनत करूँगा, मुझे बेटे भी नहीं है कमाने के लिए, कोई भी नहीं है। बच्चियां थे, शादियां करा हूँ, एक बच्ची और भी घर में है शादी की, ऐसा कुछ भी नहीं है समझे। अब मेरे पास क्या तो मजदूरी करके खाने वाला हूँ, मैं खाली घर बना लिया पहले, मगर अब नहीं है कुछ भी मेरे पास। अब माई जो है मेहनत करके खाना है, टेलरिंग करके, बस थोड़ा सोफे का भी काम आता, थोड़ा रिपेयरिंग कर लेके काम कर लेता हूँ, मेहनत कर लेके खा रहा हूँ बस। ये हुकूमत से मेरी ये है, और मेरे को पेंशन भी नहीं आता, जो पेंशन भी नहीं मिला अभी तक, तो मेरे को पेंशन मिलना चाहिए, 66 ईयर्स है मेरा, आइए तो मेरा पेंशन का भी करा दो बस। हाँ अच्छा, बात कराए तो MLA साहब के पास लेके जाके बात कराए तो मेहरबानी होगी मेरी। बस मेरे क्या करके खाना है बस, कोई गवर्नमेंट ये कोई प्लाटा नहीं है, कुछ नहीं है, ये एक ही घर है, बाकी कुछ भी आमदनी तो कुछ भी नहीं है, मुझे किसी चीज़ की आमदनी नहीं है, एक घर एक है, कर्जा भी है मेरे को 15-20 लाख रुपए कर्जा भी है, बच्चों की शादियां करा था वही कर्जा है बस, बाकी कुछ भी नहीं। मेहनत करना, खाना बाहर था पहले, खा लिया, मजदूरी करता था, वहाँ से पैसे बेचता था, घर का खर्च चलता था, कैसा कि घर बना लिया बस। अब वही है, मेहनत करना है, खाना है, नहीं मेहनत करूंगा तो दवाइयों के लिए भी पैसे के प्रॉब्लम रहता। हम दोनों भी शुगर पेशेंट है, BP पेशेंट है, मैं मेरी बीवी भी बहुत परेशानी है, ये मेरे को पेंशन भी मिलेगा तो सही रहता बस। ये नुकसान को भी मेरे को मदद करो ताकि मैं फिर से अपना क्या तो भी काम करके खा सकूं। फायर स्टेशन को हमारे को इमीडिएटली कॉल आया, जैसे शाशापुट्टा में फायर हुआ बोल के इमीडिएटली हमें टर्न होकर यहाँ देखे, तो वो बाजू वाले और हम आके पूरे पानी डाल के पूरे बुझा दिए, और किसी को भी थोड़ा
हिस्सा कुछ भी नहीं हुआ। ये फायर होने के बाद तुरंत ही पूरे लोग इसमें इन्वॉल्व होके ये करे, सो इससे पहले हम फायर को और आस्ती नष्टम प्राण नष्टम बोल के बताते, वो नहीं हुआ, हो रहा करंट से हुआ बोल के हो रहा, वो वायर आ गिरा, वो इधर लाइन में जो घर का करंट है, बाजू वाले को भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, जैसा हम वहाँ इन लोगों को बोल के जा रहे पुटअप, फायर को पुटअप करें।